Assalamualaikum alaikum viewers and welcome to my channel study law with pushra so in today's video we are going to discuss the topic of section 44 of transfer of property act 1882 but before starting the discussion i request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback so let's move towards the discussion सेक्शन 44 ऑफ पीपीए बेसिकली डील्स विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय को ऑनर ये सेक्शन 44 बेसिकली उस स्पेसिफिक सिचुएशन को डिस्कस कर रहा है जहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा को ऑनर्स हैं यानी एक ऑनर नहीं है बल्कि बहुत सारे ऑनर्स हैं उस प्रॉपर्टी के और उनमें से एक को ऑनर अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है या अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को अब जब इंटरेस्ट थर्ड पर्सन को ट्रांसफर हो गया तो उस सूरत में क्या कंडीशन अप्लाई होंगी स्टार्टिंग विद दियेट लैंग्वेज ऑफ दिस सेक्शन Where one of the two or more co-owners of a movable property legally competent in that behalf transfer his share of such property or any interest therein, such transferee acquires ace to such share or interest and so far ace is necessary to give effect to the transfer. The transfer's right to joint possession or other common or part enjoyment of the property एंड टू एनफोर्स दिन ऑफ द सेम अब ये सेक्शन क्या डिस्कस कर रहा है ये सेक्शन कहता है कि जहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा को ऑनर्स है अब होता क्या है कि इन तमाम को ऑनर्स में से यानी कि प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ऑनर है और उनमें से कोई एक को ऑनर अपना शेयर ट्रांसफर करता है किसी थर्ड पर्सन को तमाम ऑनर्स नहीं उन तमाम ऑनर्स में से कोई एक बंदा अपना इंटरेस्ट या अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है जो कि कॉम्पिटेंट है इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए यानी कि लीगली इंटाइटल्ड है कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है तो उस सूरत में क्या होगा कि जो हमारा ही है वो एक्वायर करेगा उस शेयर को यानी कि द ट्रांसफरी विल रिसीव सच शेयर और ही विल रिसीव सच इंटरेस्ट मींस टू से जैसे ही ट्रांसफरी ने उस शेयर को रिसीव किया वो ट्रांसफरी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर अपना इंटरेस्ट एक्वायर कर देता है और वो तमाम राइट्स जो वो को ऑनर पहले इंजॉय कर रहा था अब वो तमाम राइट्स शिफ्ट हो जाएंगे ट्रांसफरी के ऊपर जिसने वो शेयर रिसीव किया है और वो कौन कौन से राइट्स हैं हमने इस सेक्शन के अंदर पढ़ा था सबसे पहले राइट टू ज्वाइंट पोजेशन सेकेंडली राइट ऑफ इंजॉयमेंट एंड द थर्ड वन इज टू इन्फोर्स दार्टिशन ऑफ द सेम यानी पहला राइट तो उसको पोजेशन का राइट मिल जाएगा सेकेंडली वो उस प्रॉपर्टी को एज अ होल या उस प्रॉपर्टी को इन पार्ट्स वो एंजॉय करेगा जैसा कि वो को ऑनर कर रहा था और थर्ड थर्ड राइट आ जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी के अंदर पार्टीशन क्लेम कर सकता है लेकिन इसके साथ साथ सेक्शन 44 एक प्रोविजन के बारे में भी डिस्कस कर रहा है प्रोवाइजो बता रहा है और वो प्रोवाइजो क्या है दैट द ट्रांसफरी ऑफ द शेयर ऑफ हाउस इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जहां पर जो प्रॉपर्टी के अंदर से शेयर ट्रांसफर हो रहा है लेट से कि वो प्रॉपर्टी हमारे पास एक ड्वेलिंग हाउस है दैट इज बिलोंगिंग टू एन अनडिवाइडेड क्या कह सकते हैं? वो वो एक को ऑनर है जो कि अपना शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा है लेकिन जो ट्रांसफरर है वो उस फैमिली का मेंबर नहीं है को पार्टनर तो है लेकिन उस अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर नहीं है तो इस सूरत में अगर ट्रांसफर अपना शेयर किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ पर जो ट्रांसफरी है जिसको वो शेयर मिल रहा है जो उस शेयर को रिसीव कर रहा है उसके पास इस सेक्शन की प्रोविजन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही राइट आता है और वो राइट कौन सा है कि वो इस प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन क्लेम कर सकता है बाकी के जो दो राइट सेक्शन 44 में बताए गए हैं जो कि राइट राइट टू टू पोजेशन एंड द द ऑफ प्रॉपर्टी वो उसको नहीं मिलेंगे इन केस ऑफ द ड्वेलिंग हाउस अब इस सेक्शन को हम एक एग्जाम्पल एक के थ्रू समझते हैं फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है लेट से हमारे पास एक फील्ड है जिसको हम डिनोट कर देते हैं एक्स से एक्स एक फील्ड है जिसके तीन को ऑनर हैं ए बी और सी इस फील्ड के को ऑनर हैं अब इनमें से इन तीनों पार्टनर्स में से ए बी और सी में से सी क्या करता है अपना इंटरेस्ट अपना शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा है किसी तीसरे बंदे को लेट से एक डी एक बंदा है सी अपना राइट उसको ट्रांसफर कर देता है अब इस सिचुएशन के अंदर डी के पास एज पर सेक्शन 44 तीनों राइट्स आ जाएंगे मींस टू से राइट टू पोजेशन राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड राइट टू क्लेम पार्टीशन ये तीन राइट्स जो पहले सी एंजॉय कर रहा था अब डी को मिल जाएंगे लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को हम प्रोविजन के साथ चेंज करें फॉर एग्जाम्पल अब फील्ड की जगह हम ले लेते हैं ड्वेलिंग हाउस लेट से एक्स एक प्रॉपर्टी है जो कि ड्वेलिंग हाउस है इसी तरह तीन को ऑनर्स हैं ए बी और सी सी क्या करता है अपना शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा है डी को अब जो ये सी अपना शेयर डी को ट्रांसफर कर रहा है यहाँ सी को पार्टनर तो है लेकिन वो उस फैमिली का मेंबर नहीं है तो इस सिचुएशन के अंदर डी जिसको शेयर ट्रांसफर हुआ है उसके पास सिर्फ एक राइट आ जाएगा इस पर दी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन और वो राइट है कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन क्लेम कर सकता है इसके अलावा उसको बाकी के जो इंजॉयमेंट और जो ज्वाइंट पोजेशन के, के राइट्स हैं वो इस डी को नहीं मिलेंगे So, ये थी हमारी डिस्कशन सेक्शन 44 के ऊपर आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो so अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल अल्लाह हाफिज